यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के निर्माण में अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में उन पर दर्ज दूसरी FIR को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहली FIR भी रद्द कर दी थी। अनुराग ठाकुर और उनके पिता ने इस मामले में हाईकोर्ट के FIR न रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान धर्मशाला में विजिलेंस ने अनुराग ठाकुर और अन्य के खिलाफ धर्मशाला में केस दर्ज किया था, जिसमें अब उन्हें राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय के 3 जजेस के बेंच ने एक निर्णय देकर जो FIR अनुराग ठाकुर मेरे और अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई थी उनको क्वैश कर दिया था। रद्द होने के बाद फिर कांग्रेस के वकील ने फिर भी नहीं माना और फिर कहा कि निर्णय गलत हो गया है और मीडिया में इस तरह से दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ी भूल सुप्रीम कोर्ट की हो गई हो। आज फिर 3 जजेस के बेंच ने वो FIR क्वैश कर दी है। इस प्रकार से हमारे खिलाफ लगभग 7-8 जो FIR कांग्रेस के सत्ता के दौरान दायर की गई थी वो उच्चतम न्यायालय में जाकर रद्द हुई हैं।